देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की उन बड़ी खबर पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। 59 ऐप पर बैन के बाद चीन की पहली प्रतिक्रिया, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा ये गंभीर चिंता की बात। गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर ने टिकटॉक हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के टीके को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुंबई में ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद होटल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने दर्ज की 750 FIR, 120 पे चार्जशीट दाखिल, 630 मामलों की जाँच जारी। आमिर खान की टीम के 7 लोगों को कोरोना, ड्राइवर और रसोईया भी कोरोना संक्रमित। भारत में बनी पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ने मंजूरी दी। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ह्यूमन ट्रायल शुरू करने के लिए तैयार। सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश, भारत चीन के बीच लद्दाख के चुशोल सेक्टर में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत जारी। केंद्रीय नेतृत्व ने रिजेक्ट की शिवराज की लिस्ट, नए चेहरों को मंत्री बनाने के साथ नरोत्तम तुलसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बड़े बेटे की कोरोना संक्रमण से मौत, दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था इलाज। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा एक्ट्रेस संजना सांघी से बांद्रा पुलिस स्टेशन में हुई पूछताछ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पति पत्नी की हत्या से सनसनी मामला, थाना ठाकुरगंज द्वारा कोतवाली के पीपल टोला मोहल्ले का है। वाराणसी में भारत चीन विवाद के बीच शहर में लगे पोस्टर, विश्व हिंदू सेना ने लिखा BHU में प्रवेश न करे कम्युनिस्ट। जालौन में माँ बेटे निकले कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटों में 17 नए मामले सामने आए, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 185। गोंडा के नोडल अफसर निकले कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन मचा हड़कंप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा सरकार बताए कोरोना पीक से लड़ने की क्या तैयारी है। लखनऊ से CA के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन में कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम गिरफ्तार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी पर बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस के सिपाही पुलिस की लाठियों से नहीं डरने वाले। झांसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन हर घर जल के अंतर्गत प्रथम चरण में बुंदेलखंड में 2,185 करोड़ की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव हेड कांस्टेबल की मौत, कल रात KGMU में हुआ था भर्ती, एंटी करप्शन ऑफिस को 48 घंटे के लिए बंद कर शुरू हुआ सैनिटाइजेशन। ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान के बाड़मेर में टिड्डी नियंत्रण ऑपरेशंस के लिए एक हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाई। कल अपने खिलाफ दर्ज किए गए मामले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राजभवन के पास बैठकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ के प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर DK छाबड़ा का आज सुबह हुआ निधन। लखनऊ के ठाकुरगंज के फरीदपुर में चोरों का आतंक, शादी में गए परिवार के घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड की जनता जल भरा और गंदगी की समस्या से जूझ रही है, यहाँ विकास सिर्फ कागजों पर ही नजर आ रहा है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड में है। फैजुल्लागंज वार्ड वही है जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बोरा जी हैं और उनका ये विधानसभा क्षेत्र है। जिस तरीके से सरकार के द्वारा लाखों करोड़ रुपए का बजट आता है हर साल नाली खड़ंजा रोडों के लिए, लेकिन यहां पर स्थिति यह है, आप साफ देख सकते हैं जगह जगह पर जल भराव यहां पर है और सड़कों के नाम पर सिर्फ जो है कच्ची मिट्टी की सड़कें रास्ते दिए गए हैं, जहाँ पर ये बरसात का मौसम है और पब्लिक को निकलने में बहुत सी समस्या होती है कि यहाँ पे बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ भी जो भी पार्षद आता है सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आता है, विकास के नाम पे जीरो है। जैसे कि अभी आगे कुछ दूरी पे चले जाइए, एक सड़क है 2 साल से खुदी पड़ी है और 2 साल से खुदी होने के बावजूद भी उस पर नाली बनाई गई, लेकिन और उसको ऐसा बना दिया है कि अब लोगों को निकलना दूभर हो गया। और पार्षद से जो कहो, कहीं विधायक से कहो, विधायक कहेंगे पार्षद से कहो, इसी तरीके से एक दूसरे पे टाला करते हैं। यहाँ पे गली नालियों में पानी भरा रहता है, सुअर और बीमारी फैलती है बहुत ज़्यादा ही। आजकल कोरोना चल रहा है तो ज़्यादा बारे बहुत चक्कर पार्षद के पास दौड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हमारे मोहल्ले वाले, हमारे गली में जितने लोग रहते हैं सब लोग कहते हैं,
लेकिन पार्षद सुनवाई नहीं करते हैं। पार्षद कहते बन जाएगी लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। लखनऊ के दुबग्गा निवासी एक युवक ने दबंगों पर लगाए जबरन पैसे वसूली और मारपीट का आरोप। ठाकुरगंज पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया। मामला ये है सर कि मैं वाइपर और चटाई का काम करता हूँ घरी पर, और लोग आते हैं, लोग मुझसे खरीद कर ले जाते हैं, और एक कुंवारे नाम का एक शख्स है, वो कुछ ही महीने से वो छूट कर आया है अभी जेल से, तो वो बार बार हमें टॉर्चर करता है, बार बार हमें धमकी देता है और बोलता है कि मुझे अगर हर महीने का मुझे पैसा अगर नहीं दिया जाएगा तो ये होगा आपके साथ में, जो जिस बच्चे को मैं मर्डर करके मैं जेल में गया था, मैं उसी केस उसी तरीके से मैं आपके बच्चे को आपके परिवार वालों को मैं घटना घटा सकता हूँ, ये आप लोग जान लीजिए, नहीं बहुत जल्दी जो मैं मांग करूँ मैं मुझे दीजिए, नहीं तो आप जानते नहीं, आप अगल बगल के लोगों से पूछ लीजिए कि मैं कितना बड़ा दादा हूँ, कितना बड़ा मैं गुंडा हूँ। आपने उस वक्त क्या पैसे दिए या? सर मैं अभी पैसा तक नहीं दिया हूँ, मैं गरीब हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि जो मैं उसको दे सकूँ, और मैं हमारे अगल बगल वाले लोगों को कुछ धमकी देते हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम लोग ये बात समझो कि कहीं पर जुगाड़ बना के मुझे पैसा दिलवाओ, और वो डर के मारे बेचारे वो उनके खिलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं वो लोग, लेकिन मैं एक ऐसा शख्स कि मैं बहुत हिम्मत और मैं बहुत दम अपनी रख के मैं फिर आप आगे बढ़ा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि हर हाल में कानूनी प्रक्रिया के तहत में उनको ज़रूर सज़ा मिले। हाँ तो ये फिर हमसे बोलने लगे कि अगर आपको पैसा नहीं देंगे आप तो मैं आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को आपकी बेटी को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया अरे सर लड़ाई झगड़ा किया है, और मेरे एक साथी हैं रिश्ते में नाना लगते हैं, उनको वो हाथापाई भी किए उनके साथ में, ये मेरे बगल में खड़े हुए, ये उनके चोट में चैन से मारा है इन्होंने इनको। अच्छा तो ये आपने इसकी शिकायत थाने में किया? जी सर मैंने किया। कौन सा थाना लगता है? ये ठाकुरगंज लगता है। तो क्या वहाँ पे हुआ, क्या आश्वासन दिया गया? वो क्या वो उन्होंने साहब ने कहा कि अभी जाइए मैं जाकर देख लूँगा। गए कोई? नहीं अभी तक कोई नहीं गया वहाँ पर। अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।